हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। बहुत सारे आईपीओ लाइंड अप हैं, तो जुलाई का मंथ जो है खत्म हो गया, अगस्त स्टार्ट हो रहा है, और जो है मुझे लगता है कि 5 to 6 आईपीओ अगेन लाइंड अप है। तो उसमें से एक आईपीओ जो है मैं आज इसको एनालिसिस करने वाला हूँ, जो है कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड। तो सब में मैं एक एक करके लेके आऊँगा, जिस तरह से आपका रिस्पॉन्स आएगा, आपको अच्छा लगेगा, तो मैं आगे भी जो है फर्दर जो आईपीओज हैं उसको भी मैं रिव्यू करूँगा। काफ़ी स्टूडेंट फॉलोअर्स हैं जो इनकरेज करते हैं कि एनालिसिस जो है हमारी एनालिसिस उनको हेल्पफुल रहती है, इसलिए मैंने इसको भी प्रायोरिटी पे एक लेके कृष्णा डायग्नोस्टिक को लेके आ रहा हूँ। 4 अगस्त को जो है या आईपीओ का जो बिडिंग स्टार्ट होगा, यहाँ पर आप देखो 4 अगस्त को जो है ये वेडनेसडे से स्टार्ट हो जाएगा, 10 AM से आप लगा सकते हैं। तो कृष्णा डायग्नोस्टिक, ऐसे नाम से ये डायग्नोस्टिक है, तो जो है आपका ये आपको जो डायग्नोसिस के लिए जो है हम यूज़ करते हैं, जैसे आप एक्सरे कराना है या एमआरआई टेस्ट कराना है, किसी तरह का डायग्नोस्टिक कराना है, तो ये आपको देखिए इनका वेबसाइट है, इनका जो सर्विसेज है, आप रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड टेली रेडियोलॉजी, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करती है इनका जो है। और क्या क्या बिजनेस है इनका, ये सब जो जो भी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो आपका प्राइवेट हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यहाँ पे वो देती है। तो ऐसे कंपनी में अभी जो है जो सिचुएशन चल रहा है पैंडेमिक में, उसमें ऐसे जो है उनका काफ़ी डिमांड है। आप देख रहे होंगे जो जिस सेक्टर में आती है ये कंपनी, वो आपको हेल्थ केयर में, जो स्क्रीनर पे हेल्थ केयर में उनको ये किया गया है, कंपेरिजन किया गया है, जहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल, लाल पैथ लैब, उसके बाद मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर से कंपेरिजन किया गया है। तो इस सेक्टर में अभी काफ़ी डिमांडिंग है। यदि आप लाल पैथ लैब का भी देखेंगे, लाल पैथ लैब, इसने जो है इन्वेस्टर का एक वेल्थ बना के दिया है, ये भी उसी फील्ड में रिलेटेड है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे अभी एक नई आई थी कृष्णा इंस्टीट्यूट, तो हॉस्पिटल सेक्टर में थी, उसने भी जो है आपको रिटर्न बना के दिया है। ये नहीं है कृष्णा इंस्टीट्यूट करके है, गेम्स करके है। आप देख रहे हैं कि इसमें भी जो आपका पैसा बना है, ये आईपीओ जो है 997 पाया था और स्टॉक जो है 1200 के आसपास चल रहा है, 30-40% आपको ओपनिंग प्राइस से दिख रहा है। तो इसमें जो है यदि हम पीयर कंपेरिजन का पर्पज ये है आपको बताने का कि जो है किस तरह से रिटर्न बना है, बन सकता है, देर इज पॉसिबिलिटीज, तो कंपनी कंपनी पैसा बनाती है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कंपनी जो है, जो 3 साल का जो पैरामीटर दिखाया जा रहा है, यहाँ पे दिखाया जाए कुछ सालों से 1920 में जो है कंपनी लॉस बुक किया कंपनी ने, और सडन 21 में जो है इस लॉकडाउन में ह्यूज पोटेंशियल देखा जा रहा है, आपको दिखा रहा है 1800 जो है मिलियंस का प्रॉफिट बुक किया उन्होंने। तो अभी जो है इसका प्रॉस्पेक्ट्स अच्छा है, आपको पैसा बन सकता है। तो कंपनी जो है, हालांकि हिस्टोरिकल डेटा नहीं अच्छा है, लेकिन करंट का जो सिचुएशन है पिछले 1 साल से पैसा बना रही है, तो इसमें डिमांड आने के चांसेस है ज़्यादा। तो कंपनी का जो पर्पस क्या है, क्यों फंड रेज कर रही है, टू फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग डायग्नोस्टिक सेंटर्स एट पंजाब, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मतलब कुछ अलग अलग सिटीज में जो है डायग्नोस्टिक सेंटर को जो है स्टेब्लिश करने जा रही है, अपने बोरिंग और लोन को रीपेमेंट का, जो अच्छी बात है। तो आप देखें कृष्णा इसमें आप, हाँ, इनके पास लोन डेट टू इक्विटी थोड़ा सा ज़्यादा हायर साइड में है, आपको डेट टू इक्विटी 1.25 है, तो 55 करोड़ का जो है रिजर्व है, उसके अगेंस्ट 251 करोड़ जो है डेट है। तो डेट यदि बैलेंस शीट पर कम होता है, ऐसे गुड साइन, कंपनी चाहती है कि अपना डेट रिपेमेंट करना, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। ये आईपीओ जो है आपको 4 अगस्त 6 अगस्त के बीच में आप 10 AM से लेकर 5 PM के बीच में बिड कर सकते हैं, ये आपका 9:35 इशू प्राइस है। आप कट ऑफ प्राइस पे क्लिक करके आप बिड करें ताकि आपकी फॉर्म रिजेक्ट ना हो। आपका 15 शेयर्स के मल्टीपल में जो है आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, एक लॉट के अप्लाई करेंगे तो लेस देन 15,000 में आपको हो जाएगा, और यदि आप लगाना चाहते ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो अप टू 2 लैक्स आप लगा सकते हैं। तो कंपनी 1200 13 करोड़ जो है फंड रेज कर रही है, इसमें जो है
फ्रेश इशू जो कंपनी के बैलेंस शीट पे दिखेगा आपको 400 करोड़ है, और जो बाकी जो पैसा है 813 वो आपको ऑफर फॉर सेल के थ्रू है, जो प्रमोटर जो है इसमें से एग्जिट कर रहे हैं 813 करोड़। ये आईपीओ का जो है 6 को बिडिंग क्लोज हो जाएगा और 11th 12th में आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा, अलॉटमेंट हो जाएगा आपको मिला कि नहीं मिला, और 17th को उसकी लिस्टिंग हो जाएगी। तो जिस तरह से मैंने आपको कंपेरिजन के बताया और जिस तरह से फंडामेंटल इंप्रूव हो रहे हैं और हो सकते हैं आगे जाके, तो उसमें एक डिमांड देखा जा रहा है, तो आप उसके ग्रे मार्केट में भी देख सकते हैं कि इसमें जो है कृष्णा डायग्नोस्टिक का 450 रुपीज़ का ग्रे मार्केट में दिख रहा है। इसमें आप देखो कि ये जो कंपनी कितने प्राइस इशू कर रही है, 954, ऑलमोस्ट 50% का अपसाइड देखा जा रहा है। तो आप देखो 450 डिवाइडेड बाय 954, ऑलमोस्ट 47%, 40 × 100 करेंगे ऑलमोस्ट जो है आपका 47% का लिस्टिंग गेन दिख रहा है। जैसे इसमें हम ऐड करते हैं 954 प्लस 450, 1750 तक जो है स्टॉक जा सकता है, तो 50-60% 70% जो है आपको लिस्टिंग गेन दिखा जाता है। लिस्टिंग गेन के जरूर लगाए आप लगा सकते हैं, और यदि आपको लॉन्ग टर्म का प्रॉस्पेक्ट आपको देखना है तो जिस तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर फंडामेंटल इंप्रूव होते जाएंगे तो आपको होल्ड कर सकते हैं। यदि आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आप पूरा प्रॉफिट मत बुक कीजिए, पार्शियली बुक कीजिए। यदि आप इनकम के लिए करना चाह रहे हैं, आपको बहुत सारा आईपीओ में लगाना है, तो आप लिस्टिंग गेन लेके भी निकल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का प्रॉस्पेक्ट है तो आप कुछ पैसा छोड़ सकते हैं, जो प्रॉफिट आप कमाते हैं वो आप छोड़ सकते हैं, ताकि कंपनी के फंडामेंटल इंप्रूव होगा तो आपका पैसा बनेगा, नहीं तो फिर आप जो है थोड़ा सा कम प्रॉफिट लेके आप बाकी पैसा भी निकाल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए यस, लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिस्टिंग करके लगाइए आप, और लॉन्ग टर्म के लिए जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होते जाएगा वैसे आप लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉस्पेक्ट है कि आपका पैसा बन सकता है। जिस तरह से इस इंडस्ट्री ने पैसा बना के दिया है और जो सिचुएशन चल रहा है पैंडेमिक का, तो पैसा बनने के चांसेस ज्यादा है। आप या आपको डर लगता है तो आप सब्सक्रिप्शन देख के आप बिडिंग कीजिए, तो आप देखिए नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 डेज पे, मुझे लगता है कि सेकेंड डे में आपको क्लियर हो जाएगा रिजल्ट कि डिमांड आ रहा है कि नहीं। ये 5-10 सक्सेस जाता है तो आप वहाँ पे आप बिट कर सकते हैं। आपको लगाना रहेगा तो यहाँ पे आप जीरोधा में है, जीरोधा में जाना है और कंसोल पे क्लिक करना है। आपको पैसा अपना जो है बैंक अकाउंट में रखना है, जीरोधा में नहीं रखना है, बैंक अकाउंट में रखिए जो बैंक आपने जीरोधा में लिंक किया हुआ था, और वहाँ से आप जो है वहीं पैसा रखना है। तो यहाँ पोर्टफोलियो में जाएंगे और यहाँ पे आप आईपीओज में क्लिक कीजिए, तो आपको देखिए कुछ आईपीओज लाइन अप है जो क्लोज हो चुके हैं, कुछ जो है एसएमई सेक्टर के जो आईपीओ है चालू है। तो यहाँ पे आप किसी में क्लिक करते हैं, जैसे कृष्णा का भी आ जाएगा तो अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको सर डिटेल आएगा, आपको अपना यूपीआईडी डालना है, क्वांटिटी डालना है, कटअप पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्वांटिटी में 1600 जैसे इनका लॉट साइज है वो डाल के कटअप पे क्लिक करके यहाँ पे टर्म्स कंडीशन करके सबमिट कर देना है। फिर आपको जो बैंक का आपने यूपीआईडी यूज़ किया है उस बैंक पे जाके मैंडेट कन्फर्म करना है। ये दो काम आपको करना पड़ेगा तब जाकर सक्सेसफुल हो जाएगा। ये कृष्णा का जो है आप यदि आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको इनका डिटेल भी मिल जाएगा। जैसे अब माना कि हमने ये डाल दिया कृष्णा डायग्नोस्टिक, गूगल पे भी आपको दिख जाएगा कि कृष्णा जो है आपको इनका गूगल पे भी दिखता है, आप रिव्यू देख सकते हैं। यहाँ पे जो है एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको देख कृष्णा कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड जो पहले कृष्णा कृष्णा डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से थी, तो यहाँ पे गूगल व्यू दिख जाएगा। तो अच्छा खासा गूगल व्यू है, लोगों का रिस्पॉन्स सही है। चलिए तो इसमें फर्दर जो डेवलपमेंट होगा ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी हम अपडेट करेंगे, तो टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, जगदीश स्टॉक में क्लासेस के नाम से है। ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं, जगदीश झा पेज के नाम से है। और यदि आपको लाइव मार्केट में ट्रेंडिंग स्टॉक्स में काम करना है, पैसा बनाना है स्विंग ट्रेडिंग में, यहाँ पे हमारा सर्विस रहता है। इस सर्विस में जो है हम 15 से 55 अपसाइड स्टॉक वाले को रिकमेंड करते हैं, जिसमें आपका पैसा बनता है। 1 से 2 वीक की ट्रेंडिंग स्टॉक होता है, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स लेवल्स जैसे हमने UTIMC, अबॉट इंडिया, लॉरस लैब, दीपक नेटेल, ये सब हमने रिकमेंड किया है नियर टर्म में। सीखना है तो हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए jagdeesha.com, वहाँ पे क्लासेस मिल जाएगी, क्लासेस की डिटेल आप देख सकते हैं।
और क्लासेस के रिव्यू देखना है तो गूगल में सर्च कीजिए जगदीश स्टॉक मार्केट क्लासेस एंड कंसल्टेंसी, वहाँ पे हमारी क्लासेस के रिव्यू मिल जाएगी। और आप किसी तरह का अकाउंट ओपनिंग सपोर्ट चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, वहाँ पिंग कर सकते हैं, या आप लिंक पे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा वहाँ से खोल सकते हैं। जो भी ऑफर रहेगा सपोर्ट रहेगा वहाँ मिलेगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और जो है और फर्दर आईपीओ पे चाहिए तो उसको भी आप कमेंट करें, हम उस पर भी बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग, हैव अ गुड डे।